नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आपने जो झलकियां वीडियो की देखी हैं, उसमें कुछ कहासुनी हो रही है। इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सैनी है, जो गांव बरौदा पहुंचे थे, लेकिन सरपंच ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक लिया। भीड़ भी इकट्ठी हो गई, बल्कि गांव वालों ने राजकुमार सैनी को गांव में घुसने ही नहीं दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना जल्दी वायरल हुआ कि रोज लाखों लोग उसे देख रहे हैं। आम आदमी के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, परंतु एक नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अपने आप में राजनीतिक असर भी छोड़ जाता है। राजकुमार सैनी को सरपंच ने यहाँ तक कह दिया कि आपको आने से पहले, गांव में एंट्री करने से पहले मेरी परमिशन चाहिए थी। आपने आने से पहले ना किसी को जानकारी दी है और ना ही मुझे बताया है। राजकुमार सैनी को लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव से पहले आप कभी नहीं दिखे, और जब चुनाव आ रहे हैं तो आप पहुँच गए। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि गांव में भी लोग अब जागरूक होने लगे हैं। नेताओं की भाषणबाजी के भरोसे अब लोग नहीं रहते। नेता कैसा भी हो या फिर कितना ही बड़ा हो, लोग सीधे सवाल करने लगे हैं और हर सवाल का जवाब भी चाहते हैं। राजकुमार सैनी और लोगों के बीच किस तरह का संवाद हुआ, आइए देखते हैं पल पल की इस खास रिपोर्ट में। ये माफ़ कर सारे रिजल भाई करे मारे कि जिन्हें मारे से कोई दर्द हो तो क्यों भाई बताओ कौन सी क्या करूँ मैं कि जिन भाई ने कोई क्यों बताओ आप परेशान कर दो क्या आना ना दें दो या भाई दूसरा क्या बात करना ना दें दो यार वैसी बात करे मेरे भाई का डर होता है मेरे भाई आप डर पास जोड़ का बिंती कर रहा बताओ भाई ये कोई कौन सा तरीका है कि एक आदमी गांव के अंदर अगर इनके नेता आते हैं हमारे नेता आते हैं आप सब लोगों को जो है ना कभी रिसीव करते हुए आपकी मर्जी और जो तरीका बनते हो ये जो है ना इसके लिए आप गाँव आए थे आपने सब सब जो बताया मैं तो यहाँ आ रहा हूँ सरपंच ने बताएगा जिम्मेवारी प्रशासन है यहाँ वो खड़े प्रशासन के लिए आप जो है ना अच्छा यानी जड़ावन है तो यार भाई कर ले काम चल सर्दी कर बताइए जो कौन सा तरीका है कि गांव के अंदर जो है ना अगर कोई आदमी आता है गरीब लोगों की बात जो है ना आज तक एक बात बताओ सही बात आप आज से पहले किसी भी शादी में किसी मजदूर की नौकरी कोई भी काम कराता बताओ मैं गाँव का एक बात बताऊँ एक भी आदमी का काम में मिला काम करने का नहीं था बार बच्चे लोग लगवाया या उसकी साथी में या उसकी मर्ज़ी तुम्हारा कभी आए तो बताओ आज इलेक्शन दौरान भाई तारा बिगाड़ने के लिए आ जाओ एक बात आप ध्यान से सुनो जा तो सुनो मत एक बात आप ध्यान से सुनो आप ये सही सब आज एक क्वेश्चन आपका मान लो मैं जो मैं आपके आज जो हूं लेकिन जो बात आप तरीका कर रहे हैं ये तरीका एक बात बताओ हमने ये बात है कि आप ना आपके हमारे गांव का कोई बच्चा लगवाया हो नौकरी मेरे पास सत्ता नौकरी किसने तो बात होगी हम ऐसा लोग लगा देते तो हमें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत में थी आप छत्तीस जात को साथ में लेकर था अपने कुछ हो जाएगा मेरे पास जो है आपको दे रहा हूँ इसमें देखो मैंने कहा 100% आरक्षण कर दो आप ठीक अपने गाँव वालों को इतना प्रेशर में रखते हो बात की बात किसी को बताना
हम देख कर राजी नहीं है। मैं ये कह रहा कि जो तुम्हारे नेता चोर के घर से जाते हैं तीसरी बार है समाज के अंदर विद्रोह पैदा करने वाली है। मेरी बात ही बात कहने का अपनी बात कहने का संकोच ना छोड़ने का संकोच जो बात आप मतलब इस तरह गाँव वालों के सामने अगर किसी आदमी के रास्ते रोक करके यूं लगते हैं करने तो समाज के अंदर हम ये कह रहे हैं तुम्हारा बात कोई सर नहीं है सारे भाई एक मिलजुल कर रहे हैं तो फिर लगान की पत्नी कराओ की साथी माउंट की लड़के मारो इनके लिए भेदभाव के लिए एक बात बताओ खुलासा करते हम एक बात बताओ सैनी साहब हमारी ओर भी आएंगे कोई की एतराज नहीं है आपने निपाल हरिजन तो पार मारे थे वहाँ आए तब थोड़ा अल्लाह गुल्ला होया था अल्लाह गुल्ला अब इनके बच्चे ले गए हैं वो आज भी हमारे यहाँ करिए फिर क्या करेंगे बताओ फिर एक बात जो आप कम से कम हमारे को बताओ कि गांव में प्रोग्राम करो हम आप कैसे बात करेंगे आप गलत से जो दिक्कत है हम तो तेरे को बता देंगे काम लग गया हम लोग तो गाँव वाले हमारे पास सारे पर नाश करो जगह जगह यहाँ हेलो वो तो मैं भाई सारे भाई बच्चों से मेरी हाथ जोड़ का विनती है हमारे साथ 75% लोग हम ऐसी किसी के हमारे वो इसी तरह और यही हालात हमारे साथ हो रहे हैं इसी हालात को उजागर करने से वो है तकलीफ है और इसके अलावा कोई बात कोई भी आए आदमी गांव के अंदर इस तरह रास्ते नहीं रोक सकते आप रास्ता रोकता जुर्माना समझ लो थोड़ा मैं आगे बढ़ो ना जय है सैनी आ रहा था ये बीज बोए तक।